जिंदगी लाइव में आज मुझे एक सवाल पूछना है ये शो देखने वाले हर पुरुष और लड़के से। और सवाल ये है कि क्या आपने कभी किसी लड़की के साथ छेड़खानी की है? चाहे एक ही बार की हो, लेकिन जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। एक बार छेड़ा था। छेड़खानी हाँ करी है, थोड़ी बहुत। बहुत कर रहा है। मैं 4-5 को छेड़ा है। कमेंट पास किया है, लेकिन छेड़ा किसी को नहीं है। हाँ, कभी-कभी। मुझे यकीन है आप में से हर एक के दिल ने एक ही जवाब दिया होगा, हाँ छेड़खानी की है। तो फिर सवाल उठता है, क्यों? क्या हासिल हुआ आपको किसी लड़की को छेड़कर? क्यों की है? मन था छेड़ने का। छेड़ दिया। नहीं, ऐसे मजाक में, लाइक आफ्टर 2 दिन पैक के बाद। काश कोई मिल जाए। बहुत क्यूट थी। इट्स ऑल यू नो द ह्यूमन टेंडेंसी टू डू दैट। कभी कभी ऐसे अप्रोच करता है एक लड़का, तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। बनता है इतना, तो ये उम्र है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मस्ती मजाक के हैं, दोस्तों में शर्त लगती है तब शर्त में। कुछ नहीं, एंजॉयमेंट, जस्ट एन एंजॉयमेंट, बस एक फन के लिए। जस्ट फॉर फन। मजाक, मस्ती, जस्ट फॉर फन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक पल की मौज मस्ती किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? आपकी एक छेड़खानी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी कहानियां जिनको देखने के बाद आपको शायद खुद पर शर्म आएगी। और हम जिंदगी लाइव में आपसे पूछेंगे, ये कैसी मर्दानगी? अक्टूबर 2011 को देश भर के न्यूज चैनल्स और अखबारों में एक ही खबर सुर्खियों में थी। एक ही घटना की चर्चा देश भर में हो रही थी। हर कोई यही बात कर रहा था कि कैसे मुंबई में लड़कियों के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने की वजह से 2 लड़कों की जान चली गई। 2 लड़के जिनका कोई कसूर नहीं था, जो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गए थे। वो 2 लड़के थे कीनन और रुबिन। आप सबने शायद उस खबर को भुला दिया हो, लेकिन आज हम आपको फिर उस खबर की याद दिलाना चाहते हैं, ताकि जो भी लोग लड़कियों को छेड़ना मामूली बात समझते हैं, उन सब की गर्दन शर्म से झुक जाए। किरण के माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, मिस्टर मिसेस सैंटोस। आपको कब पता चला कि कोई हादसा हुआ है? उसी दिन करीबन 10 बजे हमें पता चला। तो इन्होंने पहला ही रैन to see what had happened, और मुझे बोला कि आप you know you stay at home, let me see what happened. So जब वो चले आगे proceed, it's just few minutes away, not even minutes, probably 30 seconds or 60 seconds away from my house. It's just 2 minutes, yeah, not even 2 minutes. So he ran first, पहले ये गए, फिर पीछे में वे तो सीधा hospital पहुँचे. And तभी मुझे पता चला कि आई लॉस्ट माय सन। अविनाश, आप उस शाम आप सब दोस्त साथ ही थे। ऑब्वियसली सबसे मुश्किल शायद आपके लिए भूल पाना होगा उस हादसे को। वुड यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस? क्या हुआ था? हमेशा की तरह हम लोग मैच देखने गए थे। उस दिन इंडिया इंग्लैंड का मैच था, और हमने डिनर लिया सारे लोगों ने। डिनर के बाद हम सारे पान खाते थे, हम 7 लोग थे। पान खाने जब हम पान शॉप पे पहुँचे थे, वहाँ पे ऑलरेडी गुंडे टाइप लड़के खड़े थे, 4 गंदे से कमेंट्स कर रहे थे, और फिजिकल हरेसमेंट भी हुआ है जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। पहले तो हम लोग ने उनको रोकने की कोशिश की, नहीं माने तो एक थप्पड़ भी लगाया उनको। उसके बाद हमने सोचा शायद वो लोग चले गए, फिर नहीं आएंगे, उनको एक सबक मिल गया। लेकिन कुछ ही मिनटों में ये सारे फिर से धारदार हथियारों के साथ आए, और सडनली पीछे से अटैक किया उन लोगों ने। पता भी नहीं चला, ना सोचने का मौका मिला, ना संभलने का मौका मिला, ना डिफेंस करने का मौका मिला। हम सभी को चोटें आई, और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। Does that evening still haunt you? क्या ख्याल आता है जब भी उस वाक्य को याद करते हैं? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट क्या आता है आपके मन में?
स्ट्रॉन्ग थॉट तो यही है, यही बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने उस समय जो किया हम एकदम सही थे, हम आज भी सही है, लेकिन छोटी सी बात की वजह से किसी का मर्डर कर देना, हत्या कर देना, इट्स नॉट फेयर। एंड सरप्राइजिंगली मुझे मतलब एक ऐसे शहर में हुआ जिस शहर को लड़कियों के लिए बहुत सेफ माना जाता है। दिल्ली में हम लोग आए दिन छेड़खानी की बातें सुनते हैं, बट ऐसा कहा जाता है, लड़कियां भी कहती हैं कि मुंबई में आप कितने भी बजे रात में लड़कियां लोकल में भी सफ़र करती हैं। सबसे बड़ी बात, हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे, होटल में, वहाँ पर सारा मैनेजमेंट, सारे वेटर्स, सिक्योरिटी गार्ड, होटल के मैनेजर, स्टाफ, वेटर, सारे हमको जानते थे, लेकिन कोई भी मदद करने आगे नहीं आया, सारे तमाशा देख रहे थे। अगर उनमें से दो चार लोग भी आ जाते तो शायद जान बच सकती थी कीनन रूबिन की। कीनन हमेशा से ऐसे थे, सही के लिए लड़ना, गलत बात का विरोध करना। जी हाँ, कीनन ही नहीं, रूबिन भी, और देखने जाएंगे तो इन लोग का दोस्त लोग भी, इन लोग का ऐसा ग्रुप था कि अगर इन लोग देखते थे कि कोई बूढ़ा या एल्डरली लेडी कोई बैग लेके जा रहे मार्केट का या कुछ भी, तो इन लोग जाके हेल्प करेंगे घर में पहुंचाने तक। दैट वो नेचर का लड़का लोग था आई इन लोग किनिन भी था, रोवन था पहले, अभी इन लोग भी, तो उन लोग का बहुत हेल्पफुल नेचर। दो तीन बार ऐसा भी हुआ कि कोई लड़की का छेड़छाड़ी हो रहा था, किनिन जाके लड़ा और उन लोग को भगा दिया। बहुत पहला हुआ था हम लोग के एक्चुअली अम्बोली का शहर अगर देखेगा तो अभी बहुत बिल्डिंग्स आए, नहीं तो विलेज के जैसा है, छोटा छोटा गलियां भी है आगे अंदर, और हम लोग बहुत रोड के साइड में है। लेकिन उसने सुना था कि कोई लड़की का क्राइंग नॉइज रात को, और वो जाके उधर, वो और एक दोस्त उसका, उन लोग जाके वो लड़का लोग को भगा दिया, तीन चार लड़का लोग छेड़छाड़ी कर रहे। तो ये बहुत पहले का इंसिडेंट था, और केनन का नेचर ऐसा था, और हमने उसको कभी नहीं करेक्ट किया या बोला कि कोई भी बोल सकते हो तुम कैसा पिता है या कैसा, क्योंकि ये होना मांगता है, हम लोग को करना मांगता है, हम लोग काहे के लिए जी रहे। एक बात होता है, अगर कल हमने देखा कि किसी से नाइंसाफी हो रहा है और हम घर पे चले गए तो हमको नींद नहीं आएंगे, और बाद में हमने सुना कि उसके साथ बहुत बुरा हो गया, बाद में हम कुछ हम सोचेगा कि हम कुछ कर सकता था लेकिन हमने नहीं किया। इसीलिए वो रात को जब भी मेरे को फ़ोन आया और मैं रेस्टोरेंट के पास पहुंचा, तो सबसे दुख का बात मैंने जो देखा, इन लोग बीच में थे ऑफकोर्स अविनाश और बेंजामिन जो रूबिन का भाई था, इन चारों जो थे उधर पहला, किनन का घायल होने से और रूबिन का घायल होने से इन लोग ने अपना किनन और रूबिन को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। लड़की लोग उधर थे, लड़की लोग रो रहे थे क्योंकि उन लोग ने अपना फ्रेंड का, करीबी फ्रेंड का मर्डर देखा है उधर, तो उन लोग उधर गिर गिर के रो रहे थे। और जब भी हम पहुँचा तो हम गर्दी के बीच में से गया ने लोग को हटा के, तो इतना औरतें थे लाइन में खड़े सब राउंड, जैसा एक तमाशा चालू है और सब लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि चलो ये लड़की लोग को तो हम लोग संभाल ले हुए। अभी मैं लेडीज लोग का मैं बात करता हूं, हमारे देश के लेडीज लोग, अभी कुछ खतरा नहीं था ना। पहला तो तुम लोग बीच में नहीं आया, ठीक है तुम लोग भी डर गए, उन लोग के पास हॉकी अपना बाम्बू था, स्टंप था, और उन लोग के हाथ में छुरी था, ठीक है आप लोग डर गए, आप लोग कर सकते थे कुछ, लेकिन आप लोग डर गए, आप लोग में हिम्मत नहीं था। बाद में तुम आके उधर पूरा राउंड है, वो लड़की लोग को भी तुम हेल्प नहीं कर रहे, पूरा फुटपाथ खून से भरा हुआ था, और तुम हेल्प नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, तुम उधर खड़ा क्यों है? आज तक वो मुझे उन लोगों को जवाब पूछने का मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, फिर तुम खड़ा क्यों है उधर? तमाशा। इफ यू कैन नॉट हेल्प डू नॉट स्टैंड देयर, डू नॉट क्राउड।
Go home. You are not fit for society. You are not fit to roam on the road. Go home. Sleep. इतना दुख आप लोगों ने सहा है, लेकिन कभी एक ख्याल नहीं आया कि काश उस दिन ये झगड़ा ना करते, ये लड़के चुप रह जाते, ऐसा ख्याल कभी नहीं आया बीइंग अ मदर? ऑफ कोर्स वंस अ व्हाइल ख्याल तो आएगा ही, बिकॉज आफ्टर ऑल मेरे बच्चा है, या इज माय सन, सो बट आई एम प्राउड दैट ही डिड समथिंग लाइक दिस एंड ही इज गॉड, सो आई एम रियली प्राउड दैट यू नो ही वो चला नहीं गया वहाँ से या भाग नहीं गए, वो लड़की लोग को पुश करके यू नो ही लुक्ड आफ्टर देम और सीना तान के वो फॉट किया. इट वॉज नॉट फोर ऑफ देम बट और भी थे, तो वह अकेला रूबिन के साथ में और बच्चे थे हमारे, फाइट किया था. लेकिन कीनन वॉज प्रोबेबली उनका उसका लास्ट डे था वो, तो बट ही डिड इज बेस्ट, सो आई एम प्राउड ऑफ हिम. And not only Keenan, but Ruben jo hai, he's the eldest son of the family, aur uska career abhi you know just started, so wo jab Keenan ko dekha, wo Keenan akela lad raha tha, to wo bhi samne aaya, to he didn't dream that he is going to be you know one of the victims, or you know inhone socha bhi nahi tha ki hum agar aage jayenge to humko bhi kuch hoga, hamara kya hoga, nahi, lekin all of them went. Unfortunately, Ruben also, you know, वो भी घायल हो गया था. तो so I'm so proud of the boys. That group is so amazing, and I wish all the youth of today be like that. You know, don't आप साथी को कभी छोड़ना नहीं. मैं आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ. One day he just walked up to me, and he told me that Sheldon, you know who's the most beautiful woman in this world? So I went to guess some actress or something. And he said, no, I have a picture in my wallet. So he opens up his wallet and he removes mama's photograph and he shows it to me. So I think mommy would really be happy or smile right now after hearing this. Anyways, I just want to make one appeal to him that we love him a lot and we miss him. And we will make sure, and I promise this, that I'll make him proud one day. Yeah, Mama, you won't know this, but sometimes, you know, when Keenan used to come late home, and obviously I used to open the door for him because I sleep in the hall, and then he used to walk right inside, and while you were fast asleep, jab aap gehri neend mein the, he used to come and kiss you on your forehead and say goodnight, Mama, and come back, and then we both used to go to sleep together. Did you know this? No. नहीं, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि केनन वॉज 24 ईयर्स ओल्ड, 24 साल का लड़का, उसका माँ को बोल रहा था तू मेरे को खाना खिला, और हम उस पर हंसता था तो बोल रहा था माँ बेटे का आप मत कुछ बोलो, दोनों जन मेरे को, ही वॉज सो क्लोज, नॉट ओनली हर, उसका नानी भी, वेरी क्लोज टू नानी ऑल्सो. कीनन की क्या बात सबसे ज़्यादा याद आती है जब आप अकेले बैठती हैं? यू मैनेज टू स्माइल सो ब्रेवली, आई हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट, बट कई बार माँ तो माँ होती है. द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट स्माइल, या दैट्स द स्माइल, बिकॉज ही नेवर हैड अ टियर इन हिज आई और नेवर क्राइड, ही वाज ऑलवेज स्माइलिंग, सो आई मिस दैट स्माइल. लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले लड़कों पर बहुत गुस्सा आता होगा, खासकर अब ज़्यादा आता होगा शायद.
नहीं गुस्सा नो आई एम नॉट एंग्री विथ एनीवन बट आई फील बैड यू नो खराब लगता है कि अपना देश में ऐसा है दे नो दैट आवर इंडियन वैल्यूज आर सो मच कहीं ना कहीं उनके भी दे हैव अ मदर दे हैव अ सिस्टर एट होम सो आई फील सैड फॉर देम ऑल्सो यू नो एंगर कैन डू एनीथिंग जो अपना एंगर है तो वो संभालना चाहिए हर किसी को भी क्योंकि जिस स्प्लिट ऑफ दैट एंगर आप कुछ भी कर सकते हो तो व्हेन यू नो यू आर गेटिंग एंग्री ना यू शुड स्टॉप ईव टीजिंग को लेकर हमेशा उसको लगता था कि गलत है और यू नो ही वाज ही वुड ऑलवेज किनन को लगता सारे जो सारे बॉय सारा ग्रुप है सबको लगता था ऐसा और जहाँ पर इंसिडेंट हो गया वहाँ से 100 या 150 मीटर पुलिस चौकी पुलिस का पेट्रोलिंग था पुलिस मैन था वहाँ पर मुझे लगता होना चाहिए था अगर पुलिस वाले भी होते एक दो तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती वहाँ मैं चाहती हूँ आज आप हमारे सारे व्यूअर्स के लिए स्पेशली जो ये समझते हैं कि ईव टीजिंग इज जस्ट फॉर फन और जो जिनका ये सोचना होता है कि क्या हुआ अगर एक लड़की को छेड़ दिया तो यू नो हाउ डज इट मैटर इट जस्ट फॉर फन वी डू जस्ट डूइंग इट मैं चाहती हूँ आप एक मैसेज ऐसे सब लोगों के लिए दें हम सब जन्म लेते हैं एक औरत से तो हमें सोचना चाहिए कि जो भी आई मीन वेन एवर यू कम फॉरवर्ड टू इवन टीज वन गर्ल किसी और की शी इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड ऑफ समवन एल्स आपके भी घर पे कोई सिस्टर रहेंगे या मदर रहेंगे लेकिन आप सोचना चाहिए कि आखिर में वो एक औरत है एंड इफ़ यू आर बॉर्न फ्रॉम एन औरत यू शुड रिस्पेक्ट दैट लेडी टिल यू डाई सो प्लीज स्टॉप ईव टीजिंग डू नॉट टीज कोई भी हो अगर आप सामने देखते हैं कि शी इज़ नॉट यू नो शी इज़ नॉट डिसेंट और शी इज़ नॉट ड्रेस्ड वेल प्लीज़ आप यू चेंज योर एटीट्यूड यू चेंज योर फेस रादर देन कमेंटिंग ऑन दैट एंड दैट इज़ वन थिंग यू नो वुड बी सो गुड दैट यू कैन वॉक विथ योर कॉन्शियंस देन यू नो आप बोल सकते हैं कि हाँ मैंने ये आज किया है कि इवन इफ शी इज़ यू नो विथ अ शॉर्ट स्कर्ट और इफ शी हैज़ नो क्लोथ्स और शी इज़ ड्रेस्ड ऑब्सीन Please turn away and walk away, but don't disgrace that girl. Just because she is dressed that way, maybe it's a different occasion for her, it's not for you, but please respect another woman, whoever she is. I really don't have many words to thank you enough for coming here. हम में से कोई भी आपका दुख कम तो नहीं कर सकते, सिर्फ बांट सकते हैं. And we can offer our moral support to you. आप जो भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं यू आर ऑलवेज देयर स्टैंडिंग बिहाइंड विद फुल सपोर्ट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर दैट्स फॉर मी या बिकॉज ईव टीजिंग इज मोर एट प्लेसेस अदर देन मुंबई राइट मुंबई इज द सेफेस्ट नो मुंबई इज स्लोली गोइंग इन दैट इन हाई इन दैट इज गोइंग दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टॉप इट आई होप वी ऑल वेक अप कानूनी दाव पेच की वजह से इस केस की सबसे अहम गवाह प्रियंका आज हमारे साथ शो का हिस्सा नहीं बन पाई लेकिन शो से पहले हमने उनसे बात की थी आइए आपको सुनाते हैं उस लड़की का दर्द जिसने अपनी आंखों के सामने अपने सबसे प्यारे दोस्त को दम तोड़ते हुए देखा था It's very difficult to just stop thinking of him and move ahead. He's constantly on, I think, everyone's mind. I was literally trying to pull him from whatever was happening, but there were bamboos coming from here and there. He was on my lap, so I was trying to talk to him. And when he went to the hospital, I went after that. So there's so many things I would love to tell him, but never got a chance to, because when I reached there, he was already inside. And maybe after 45 minutes, we lost him. One day he came back from Goa and he came and he surprised me because I thought he's not coming on that day but he was already standing outside my house. Suddenly I seen him after like so long, so happy that whole day I was with him and then next day this happened. So I think that is the best day because it was the last.
there's one thing he always told me, to be strong. And it's all only because of him that today I can come out and speak, because I'm not like this, I can't speak. It's all he's giving me, you know, all the strength to come out and speak. And I'm going to stand by him and do whatever it takes, all of us, till the end, whatever, no matter what happens, we are going to stand and fight for justice till the end. I tell the girls also one message, that do not tolerate injustice. Whenever you think you have something is wrong has been done for you, do not hesitate to go to the nearest police station. At least fight there and get your complaint registered. The more the diary fills, the more the world will wake up. कीनन के माता पिता और उनके दोस्त अविनाश और प्रियंका की बातें सुनकर सर शर्म से झुक जाता है और दिल डूबता है बेबसी के एहसास से। कुछ आवारा लड़कों की एक ऊंची हरकत की वजह से दो नौजवानों की जान चली गई। आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे और हम सब उसे एक और खबर की तरह भूल कर आगे बढ़ गए। लेकिन उन परिवारों का क्या हुआ जिन्होंने अपने लाडले को खो दिया और अब अकेले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस रात कीनन के साथ उनके दोस्त रुबिन पर भी जानलेवा हमला हुआ। रुबिन ने कुछ दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। रुबिन के माता पिता आज हमारे साथ हैं। जो कुछ हुआ उस रात जब आपको पता चला, मस्ट हैव कम लाइक अ शॉक टू यू। सर्टेनली। कितनी देर में आपको पता चला कि क्या हुआ था? डेढ़ घंटे के बाद। क्यों? हमारा जो दूसरा लड़का था साथ में, उसने मम्मी डैडी को नहीं बताना ऐसा कहा दिया उसके फ्रेंड को, और जो फ्रेंड था हमारा नेबर था, सो नेबर का फादर भी गए साथ में। जब उसने उसका कंडीशन देख लिया तो बोला नहीं, मम्मी डैडी को बताना ही चाहिए, तभी अपने को लेके गए। करीब 11 दिन रुबिन हॉस्पिटल में थे। यस। ऑब्वियसली देयर मस्ट हैव बीन होप कि ही विल सर्वाइव, यू नो। वेरी ग्रेट होप, या। यू वर विथ हिम द डे ही डाइड? ऑन दैट डे आई वाज माय थी, बिकॉज़ ही वाज क्वाइट सीरियस फ्रॉम मॉर्निंग। बट बीइंग इन द आईसीयू नहीं जा सकते थे ना वहाँ, लेकिन जब वेरी सीरियस हो गया तो डॉक्टर ने बुला दिया, तो मैं पहली भाग गई। और उनको मरते हुए मैंने विटनेस किया, बहुत प्रार्थना की,
अविनाश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चूँकि आप वहाँ थे, सब कुछ आपने अपनी आँखों के सामने देखा, कभी आपको लगता है कि काश ऐसा ना होता तो ये हो जाता? यू नो वी ऑल थिंक दैट वेज कि काश हमने ये ना किया होता तो ऐसा ना होता. घटना के जब छेड़खानी हुई, हैरेसमेंट हुआ, तो उसके बाद हमने थप्पड़ लगा के उनको भगा दिया था वहाँ से, सारे भाग गए थे. तब हमने पान वाले को पूछा था कि आप जानते हो इन लोगों को कौन है, तो पान वाले ने बताया नहीं, ये लोग यहाँ के नहीं है, मैं पहली बार देख रहा हूँ. तो शायद मुझे कभी कभी सोचता हूँ मैं ऐसा कि उसके बाद वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग पान के लिए वेट कर रहे थे, पान बन रहा था, मीठा पान. तो पान बनने के वेटिंग के उसमें इतनी देर में वो फिर से आ गए. तो मैं सोचता हूँ अगर शायद उनको लेसन मिल गया था, हमने एक थप्पड़ लगाई थी, चले जाते तो शायद जान बच जाती थी. कि नहीं, रुके. कभी ये भी लगता है कि थप्पड़ ही ना मारते तो? नहीं, ऐसे नहीं लगता है. थप्पड़ तो मारने वहाँ पे बहुत गलत हुआ था, बहुत गंदी हरकत हुई थी, तो वी कांट कंट्रोल. आपको फख्र होता है अपने बेटे पर? फॉर व्हाट ही डिड, यू फील प्राउड ऑफ हिम? यस, मैं बहुत प्राउड हूँ. बट वो 11 दिन बहुत पेनफुल रहे होंगे जब वो हॉस्पिटल में था. यस, यू नो द होप दैट ही सर्वाइव्स. राइट, एक्चुअली ही वाज रिकवरिंग वेरी मच. उस दिन शनिवार को के दिन उसका वेंटिलेटर निकालने वाले थे और उसने कुछ लिक्विड भी ले लिया, बात भी करते थे, सो बहुत अपना होप्स भी बढ़ गए है ना. लेकिन अचानक संडे सैटरडे नाइट वो पुलिस लोग आ गए, संडे को वो बिगड़ गया उनका, 3 बजे से ब्लीडिंग स्टार्टेड अगेन. सैटरडे रात को एक एक नौजवान जो आईसीयू में है, उससे मिलने पुलिस क्यों आएगी? पुलिस वालों का ऐसा कहना है कि कंडीशन देखने आते हैं रूबिन की, और उनके कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है उसके लिए आए थे, लेकिन वो डॉक्टर से बात कर सकते थे इस बारे में. आईसीयू में हाइजीनिक होता है, पुलिस वाले जूते पहन के गए थे वहाँ, शूज़ पहन के गए थे, और रूबिन को तो पता नहीं था कीनन की डेथ हो गई है. हमने नहीं बताया था, हमने बताया था ही इज़ ऑल्सो रिकवरिंग. हाँ, कीनन भी रिकवर हो रहा है, तू भी जल्दी से ठीक हो जा, क्योंकि मुझसे बात करने लग गया था रूबिन. तो जब उस रात पुलिस वाले उधर गए, तो नेक्स्ट डे रूबिन ने मुझे बताया कि 3-4 पुलिस वाले आए थे और कुछ पूछताछ कर रहे थे. मतलब तूने कुछ जवाब दिया? तो लेने मैं सोने को ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं सारी बातें सुन रहा था. तो लोग कीनन के बारे में बोल रहे थे कि कीनन का डेथ हो गया वहाँ पर स्पॉट पे. तो फिर बार बार पूछा था कीनन कैसा, कीनन कैसा. तो बोला नहीं नहीं तूने गलत सुना है, कीनन तो ठीक हो रहा है, तू भी जल्दी से ठीक हो जा. तो वो टेंशन में लग रहा था. उसके बाद से ही फिर दोपहर से हम लोग जब नीचे आए आईसीयू से, तो फिर से डॉक्टर का फ़ोन आया. हम लोग कैंटीन में बैठे थे कि उसको फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, उसके मुंह से ब्लड आने लग गया था रूबिन के, तो उसको फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा. रूबिन की डेथ होने के बाद हमने स्टेट गवर्नमेंट से, पुलिस से, कुछ गलतियां हुई हैं डॉक्टर से या पुलिस वालों से, उसकी अगेंस्ट में इंक्वायरी, मेडिकल इंक्वायरी के लिए कहा था. तो इंक्वायरी चल रही है, मेडिकल इंक्वायरी, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सीसीटीवी फुटेज होंगे उनके पास, पुलिस वाले गए थे, उसका एविडेंस मिल सकता है. सो फाइनली रीजन फॉर डेथ क्या बताया? शॉक. Must have been a bigger shock for all of us. Yes, very much. रूबिन को बचाया जा सकता था, ऐसा लगता है. बहुत fast recovery कर रहा था रूबिन, because he is bodybuilder, muscles man, अच्छा था वो, recover कर सकता था. बेंजामिन आपसे कुछ कहना चाहते? Mom, Dad. On the last day of, well, Ruben was in the hospital, he had told me that, you know, tell mom and dad I love them.
and take care of them. And I promised him that I would. So I'll always be there to take care of you both forever. So you don't have to worry about anything as long as I'm here. I love you all both. कैसे संभाला आप दोनों ने खुद को उस सदमे से? We have got a new strength from our Lord Jesus to carry on our life in accordance with His will, what He has in store for us now in future, remembering that He is still alive. इस घटना के बाद क्या आपके मन में डर ज़्यादा आ गया है बेंजामिन को लेकर भी? Have you become over protective? To some extent, not much. क्यों अपने अभी हमारे में बहुत विश्वास है कि उनको कुछ नहीं होगा. He's a strong boy and he has faced the trauma. In spite of it, वो मजबूत है. So we have the confidence. कभी बेंजामिन को ऐसा लगता है कि मैं वहाँ था and I could not save my brother? Did he get that feeling for a while? Yes, he did get. But on that day, he himself was incapacitated. He had a broken shoulder. I mean, shoulder had been dislocated 3 days before that in his office. So he was wearing a sling. And before that, he had met with an accident also, where he had got a small fracture. Not a fracture, it was, I think, hairline fracture. So the leg was bad. So they dropped him down and it started giving him pain. He says, I could not do anything. But a sling broke and he put it at once over his head. And they went on beating him with the bamboos. Aap sab jo dost हमेशा ऐसे रहे हैं, मुझे लगता है पहले भी आप लोगों ने कई बार कोई बुराई कहीं हो रही है तो पुलिस की भी मदद की है. यू ट्राई टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट. और ऐसे लड़के जब देखते हैं कि आपके ऊपर हमला हो रहा है और बहुत सारे लोग तमाशा देख रहे हैं सिर्फ, बहुत गुस्सा आया होगा. डिड यू ट्राई टू टेल पीपल टू हेल्प यू? क्या कर रहे थे आप उस वक्त? हम तो सोचने का मौका नहीं था. लड़कियाँ जो थी, गर्ल्स अपने थी, वो चिल्ला रही थी, हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प करो. पुलिस को कॉल कर रहे थे 100, वेटिंग पे आ रहा था फ़ोन पुलिस का. ये सिक्योरिटी को, स्टाफ को, जहाँ पे लोग खड़े थे उनको लड़कियाँ बोल रही थी मदद करो, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था. ये 2 से 3 मिनट में इतना सडनली सब हो गया. उसके बाद भी कीनन और रूबिन को जब हम ऑटो में बिठा के हॉस्पिटल, तभी भी किसी ने मदद नहीं की. हमने खुद ही एक वेटर की मदद से उनको रिक्शा में डाला और हॉस्पिटल ले गए. उसके बाद भी कोई मदद के लिए नहीं आया. बुरा लगता है. हम हैं आज, हमारी जगह वो भी हो सकते कल को. और आप अगर उन लोगों में होते तो आप जरूर आगे बढ़कर मदद करते? क्यों नहीं करते? इसके पहले भी बहुत बार की हमने मदद. रूबिन के दोस्तों ने आपको बहुत सहारा दिया है. वेरी मच. आई रियली एडमायर द यूथ. बहुत बहुत सपोर्ट दे दिया. कोई एक फ्रेंड था नील करके, जो हमारा नेबर था, इमीडिएट नेबर. उसने 3 महीने वो खुद काम पे नहीं गए. ही लेफ्ट हिज जॉब सपोर्टिंग माय सन, अदर सन बेंजामिन. एंड द अदर्स वर इन द हॉस्पिटल डे एंड नाइट, दे टेकिंग टर्न्स टू बी देयर. 20 अक्टूबर 2011 को जो हुआ था वो हम सब ने अखबारों में कई बार पढ़ा, टेलीविजन पर कई बार देखा सुना भी होगा. लेकिन ऐसे कई लोग थे जो इस हादसे के वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद थे, जिनकी आंखों के सामने वो सब कुछ हुआ, लेकिन वो मूक बने सिर्फ तमाशा देखते रहे. कोई मदद के लिए आगे नहीं आया. आज अगर वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम उनसे और आप सबसे भी ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों की चुप्पी ने दो जाने ले ली. अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो याद रखिए, ये चुप्पी अगली बार हमारी जान भी ले सकती है. मर्द बनिए, छेड़खानी बंद कीजिए और छेड़खानी करने वालों का खुलकर विरोध कीजिए.
एक महिला होने के नाते मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि हर लड़की ने कभी ना कभी छेड़खानी का सामना जरूर किया होगा, और इसीलिए आज इस शो पर हम देश की तमाम लड़कियों से भी अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो डरिए मत, आवाज उठाइए, अपने माता पिता से इस बारे में बात कीजिए, ईव टीजर्स को पकड़ने के लिए बने हेल्पलाइन नंबर्स की मदद लीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन चुप मत बैठिए। आपको शायद अंदाजा भी नहीं कि ये चुप्पी आपको कितनी महंगी पड़ सकती है।